हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपू मॉमकॉम। तो दोस्तों, मैं हूं दीपिका। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि स्पेशल व्रत की रेसिपी लेकर आई हूं आज मैं, और आज मैं बनाने जा रही हूं मखाना फ्रूट चाट, जो कि बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। व्रत के लिए आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मखाना एंड फ्रूट चाट। मखाना फ्रूट चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मखाने। तो यहाँ पे एक पैन को हम गरम करके उसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून घी, और घी को हम अच्छे से गरम होने देंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 से 1.5 कप मखाने। यहाँ पे मखानों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अब हमें इन मखानों को मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है, जब तक ये अच्छे से क्रंची नहीं हो जाते। तो यहाँ पे 6 से 7 मिनट हमें लगेगा मखानों को भुनने में। और आप चाहें तो ये मखानों को आप लार्ज क्वांटिटी में भुनकर एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपका व्रत हो तो आप ये मखाना फ्रूट चाट बनाकर खा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, 6 से 7 मिनट बाद मखाने जो हुए इस तरीके से टूट रहे हैं, यानी कि हमारे मखाने जो है अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सेंधा नमक, डाल रही हूँ मैं 1 से 2 चुटकी, और यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मखाना जो है अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इन्हें एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो वापस मैं अगेन उसी पैन में डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून घी। अब मैंने यहाँ लिए हैं 5 से 6 बादाम कट करके लिए हुए हैं, और 5 से 6 काजू मैंने काट कर ले लिए हैं। तो यहाँ पे काजू बादाम को भी हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेना है। आप चाहें तो अपने पसंद के ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 8 से 10 किशमिश लो फ्लेम पे। इन ड्राई फ्रूट्स को भी हमें अच्छे से भून लेना है। इसका बहुत ही अच्छा क्रंच आता है हमारे मखाना फ्रूट चाट में। तो अब हम ये मखानों को एक बड़ी सी बॉल में ऐड कर देंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये कटा हुआ सेब। यहाँ पे मैंने एक सेब काट कर ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये ककड़ी 1/2 कप। एक बनाना लिया है मैंने काट कर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये रोस्टेड नट्स, जो हमने पहले घी में भून के रखे थे। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश अनार के दाने। और थोड़ा स्पाइसी करने के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। 1/2 टेबल स्पून डालूंगी मैं जीरा पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सेंधा नमक 1/4 टीस्पून के करीब। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे फ्रूट्स जो है आप अपनी पसंद के ऐड कर सकते हैं। जो फ्रूट्स आप व्रत में खाते हैं उसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाती है दोस्तों ये, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मखाना फ्रूट चाट बनकर हो गई है रेडी। बहुत ही सिंपल एंड ईजी रेसिपी है। तो इस नवरात्रि आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही फूड वीडियोस देखने के लिए आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे अदर रेसिपीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, एंजॉय करें इसे इस नवरात्रों में, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।